कूदे जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में हमने हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था, तो भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और उसके बाद हमने हमारा जो अगला टॉपिक था वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पर क्या किया था, हमने चर्चा किया था। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आपने कौन कौन से वंश पढ़ लिए थे? तो राष्ट्रीय तुल्य वंश, नल नाग वंश और सरपुरी वंश आपने पढ़ लिए थे। यहां तक क्लियर था आपको? इसमें से जो चौथा हमारा क्षेत्रीय राजवंश है पांडु वंश। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, इस पर हम क्या करेंगे, आज एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्लियर है आप लोग को? कल तक के क्वेश्चंस में या कल तक जो हम पढ़े हैं उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट है तो। आज हम पांडु वंश के साथ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के राजवंश रहे हैं, जैसे कांकेर के अंतर्गत सोम वंश, साथ ही पाली का बाण वंश एवं कवर्धा के फणिनाग वंश पर क्या करेंगे, अपना अध्ययन आज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है आज हमको? तो पांडु वंश के साथ कांकेर का सोम वंश, साथ ही सोम वंश की सभी शाखाओं के बारे में हम क्या करेंगे आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज हम पाली का बाण वंश एवं कवर्धा के फणिनाग वंश के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कलचुरी वंश, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अब समय व्यर्थ ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक आपको नजर आ रहा है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, किस शिलालेख में उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष कहा गया है? ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक क्षेत्रीय राजवंश बचा हुआ है क्या पांडु वंश, उसके साथ में हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन आपको, किस शिलालेख में उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष कहा गया है? कालंजर शिलालेख में, बांदक शिलालेख में, सेन कपाट अभिलेख में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए आप अपना। बता दिया आपने आंसर, बढ़िया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पांडु वंश जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि इनका समय क्या था, तो छठवीं से सातवीं सदी था। ठीक, समय क्या था तो छठवीं से सातवीं सदी था, है ना। इनकी राजधानी क्या थी तो सिरपुर थी, साथ ही राजधानी इनकी सिरपुर है, मतलब इनका जो साम्राज्य है या इनकी जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे है, तो इनका साम्राज्य या इनका जो राजधानी है वो महानदी के किनारे है। ये तो आप क्या कर लेंगे, आराम से बता लेंगे। चलो इसी के साथ में आप मुझे आंसर दीजिए कि जो महानदी है उसके तट पर बसे हुए जो स्थल हैं इनको आप क्या करें, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। महानदी के तट पर बसे हुए जो स्थल है उनको क्या करना है आपको, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मतलब ऊपर डहार ले, नीचे डहार का करना है, हमला जमाना है, काला जमाना है, तो महानदी के किनारे में जिन स्थल मन बसे हुए तेन ला हमला जमाना है। समझ में आ गए? चलो जमाओ तो जल्दी। ठीक, अब पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश जो है इसकी प्रारंभिक जानकारी के विषय में अगर मैं चर्चा करूं
प्रारंभिक जानकारी। तो प्रारंभिक जानकारी के संबंध में दो चीजें आप ध्यान देंगे। पहला तो ध्यान देंगे आप कालंजर अभिलेख, और दूसरा बांदक शिलालेख। पहला कालंजर अभिलेख और दूसरा बांदक शिलालेख। पहला कालंजर अभिलेख और दूसरा क्या? दूसरा आपका बांदक शिलालेख। क्लियर है? कालंजर जो अभिलेख है इसमें उदयन को इस पांडु वंश का क्या कहा गया है? आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है, पांडु वंश का क्या कहा गया है? तो आदि पुरुष कहा गया है। साथ ही ये जो बांदक शिलालेख है इसमें इंद्र बलराज को किसे? तो इंद्र बलराज को पांडु वंश का संस्थापक कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्थापक कहा गया है। अब फिर से मैं इसी क्रम में आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा हमारे पिछले वीडियो में जब हम सर्वपुरी वंश पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्वपुरी शासक थे जिनका नाम क्या था? सुदेवराज। ठीक है, सर्वपुरी शासक का नाम क्या? सुदेवराज। ये जो सुदेवराज हैं इनकी जानकारी हमको किससे प्राप्त हो रही थी? तो कौवतल शिलालेख से प्राप्त हो रही थी। किससे प्राप्त हो रही थी? कौवतल शिलालेख से। और इस कौवतल शिलालेख में हमको क्या जानकारी मिल रही थी कि जो सुदेवराज थे उन्होंने इंद्रबलराज को क्या किया था? अपना सामंत बनाया था। ठीक है, सामंत मतलब मंत्री। और इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन सा पोस्ट मिला था पूछे आपको? तो सर्वाधिकारीकृत। ठीक है, सर्वाधिकारीकृत के पोस्ट पर क्या किया गया था? इंद्रबलराज को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? सुदेवराज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सुदेवराज के द्वारा। और ये क्या थी? उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ऐसा आप कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, उनके जीवन की क्या थी? ये बहुत बड़ी भूल थी। आगे चलकर उन्हीं के छोटे भाई कौन? प्रवर राज द्वितीय की क्या कर देते हैं? ये जो इंद्रबल राज है ये उनकी हत्या कर देते हैं। और उनकी हत्या करके मतलब किनकी हत्या करके? प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके जो इंद्रबल राज है वो क्या करते हैं? सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना करते हैं। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है आपको? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस शिलालेख में उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष कहा गया है? तो हमको पता है कि कालंजर शिलालेख में क्या कहा गया है? उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रबलराज के बांदक शिलालेख में उनके किस पुत्र का वर्णन है? तो अभी जस्ट हमने देखा था कि इंद्रबलराज के संबंध में हमको किससे जानकारी मिल रही थी, तो बांदक शिलालेख से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है आपको? ये जो इंद्रबलराज है इनके बांदक शिलालेख में इनके किस पुत्र का वर्णन है? जल्दी से अपना आंसर लगाइए कि इनके किस पुत्र का वर्णन मिलता है हमको इनके बांदक शिलालेख में। बना लिया आपने? देखिए, अब हमको क्या पूछा जा रहा है यहां पर? इनके पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो पांडु वंश के, किस वंश के? तो पांडु वंश के हम क्या कर लेते हैं? एक वंशावली पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं? तो उनके वंशावली के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पांडु वंश की वंशावली में सबसे पहले आपको किस राजा का नाम याद रखना है? उदयन। ठीक है, किसका नाम याद रखना है? उदयन का नाम याद रखना है। और उदयन को क्या कह रहे हैं हम इस वंश का? आदि पुरुष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आदि पुरुष कह रहे हैं। ठीक, उदयन के उपरांत आप इंद्रबलराज का नाम याद रखेंगे। किसका नाम याद रखेंगे? इंद्र बलराज का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, किसका नाम याद रखना है? इंद्र बलराज का नाम याद रखना है आपको। किसके उपरांत? तो उदयन के उपरांत। और इंद्र बलराज को क्या कह रहे हैं हम इस वंश का? संस्थापक, फाउंडर कह रहे हैं हम इसको। इंद्र बलराज क्या है? इस वंश के संस्थापक हैं। और जो इंद्र बलराज हैं इन इंद्र बलराज के चार पुत्र। ठीक है, कितने पुत्र हैं? तो चार पुत्र याद रखिएगा आप। सबसे पहले हैं
नंदराज प्रथम, पहले पुत्र कौन? नंदराज प्रथम। दूसरा आप याद रखना सूरबल। तीसरा याद रखना आप ईशान देव। और चौथा याद रखना भवदेव। ठीक, ये चार पुत्र थे किसके? इंद्रवराज के। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बांदक शिलालेख के अंतर्गत इनके किस पुत्र का वर्णन है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे उसके विषय में। पहले देख लेते हैं इनके संपूर्ण वंशावली को। फिर ये जो नंदराज प्रथम है, इनके दो पुत्र, पहले हैं महाशिव तिवरदेव और दूसरे हैं चंद्रगुप्त। ठीक, महाशिव तिवरदेव के पुत्र फिर हुए नंदराज द्वितीय। महाशिव तिवरदेव के पुत्र कौन हुए? तो नंदराज द्वितीय हुए। और ये जो नंदराज द्वितीय थे, इनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक, नंदराज द्वितीय का क्या नहीं था? कोई पुत्र नहीं था, मतलब इनका उत्तराधिकारी नहीं था। अब चूंकि महाशिव तिवरदेव के पुत्र नंदराज द्वितीय और नंदराज द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं, इसलिए जो पांडु वंश की सत्ता है वो नंदराज के उपरांत किसे प्राप्त होती है? तो इनके चाचा चंद्रगुप्त को प्राप्त होती है। ठीक है, किसे प्राप्त होती है? तो इनके चाचा चंद्रगुप्त को प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है आपको? अब चंद्रगुप्त की शाखा चल रही है, तो चंद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र हुए हर्षगुप्त। ठीक, इनके पुत्र कौन हैं? तो इनके पुत्र हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के पुत्र हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, साथ ही आप यहीं पर ध्यान देना कि जो हर्षगुप्त हैं, इनका विवाह मगध के मौखरी वंश की राजकुमारी वासुता देवी से हुआ था। ठीक है, कहां से, किसके हुआ था? तो वासुता देवी से हुआ था, जो कि किस वंश की राजकुमारी थी? तो मौखरी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, किस वंश की राजकुमारी थी? मौखरी वंश की राजकुमारी थी। और मौखरी वंश कहां था? तो मगध में था। ठीक है, इससे क्या हुआ? हर्षगुप्त और वासुता देवी को एक पुत्र प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम क्या? महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक और पुत्र नाम मिलता है इनका, जिसका नाम रहता है रणकेसरी। हालांकि उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, तो हमको पढ़ना भी नहीं उनके बारे में। महाशिवगुप्त के बारे में ही हमको पढ़ना है मुख्य रूप से। और महाशिवगुप्त के उपरांत इनके एक पुत्र थे, ध्यान रखना आप, शिवनंदी। शिवनंदी, ठीक, लेकिन शिवनंदी के शासन का उल्लेख नहीं मिलता, सिर्फ महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासन काल तक का उल्लेख मिलता है। और महाशिवगुप्त के पुत्र के रूप में शिवनंदी का नाम आता है, लेकिन शिवनंदी पांडु वंश के शासक नहीं बनते हैं। ठीक है, हम लोग पांडु वंश के अंतिम शासक के रूप में किसको देखते हैं? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन को देखते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा कि कैसे इस पांडु वंश का पतन हुआ, तब उसमें चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? यह क्या हो गया? पांडु वंश का राजवंश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पांडु वंश का राजवंश, जिसमें आपको क्या नाम याद रखना? पहले उद्यन, उद्यन उपरांत इंद्रबल राज। इंद्रबल राज के कितने पुत्र? चार पुत्र। कौन कौन? तो नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। ठीक है, फिर नंदराज प्रथम के कितने पुत्र? दो पुत्र, पहले महाशिव तिवरदेव और दूसरे चंद्रगुप्त। ठीक है, महाशिव तिवरदेव के पुत्र कौन? नंदराज द्वितीय। और नंदराज जो द्वितीय है, इनका कोई पुत्र नहीं रहता, इसलिए इस वंश की, मतलब पांडु वंश की जो सत्ता है, नंदराज द्वितीय को उपरांत किसको प्राप्त हो गई? इनके चाचा चंद्रगुप्त को प्राप्त हो गई। चंद्रगुप्त को प्राप्त हुई, तो चंद्रगुप्त के उपरांत अगला शासक कौन? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह किससे? वासुता देवी से। वासुता देवी कहां की रानी? तो मौखरी वंश की राजकुमारी। कहां मौखरी वंश? तो मगध में। ठीक है, फिर इन दोनों को कौन एक पुत्र प्राप्त हो रहा है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के अलावा एक पुत्र और कौन है इनके? तो रणकेसरी है, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन का पुत्र कौन? तो शिवनंदी। समझ में आ गया? लेकिन अंतिम शासक आप क्या लगाएंगे? महाशिवगुप्त बालार्जुन को लगाएंगे। देखिए इसको, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमको बांदक शिलालेख में इनके किस पुत्र का वर्णन है। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा इंद्रबल राज के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। इंद्रबल राज, ठीक है, ये जो इंद्रबल राज है, इन्हीं को भरत बल के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? तो भरत बल के नाम से भी हम किसको जानते हैं? इंद्र बलराज को जानते हैं, ठीक है। अन्य नाम क्या इनका? तो भरत बल, ठीक है। अब ये जो इंद्र बलराज है, इन इंद्र बलराज की जानकारी, ठीक है, इंद्र बलराज की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो इनकी जानकारी मिलती है हमको बांदक या कहीं कहीं पर इसे भांदक भी कहा जाता है, बांदक या भांदक शिला लेख से मिलती, ठीक है। किससे मिलती है? बांदक या भांदक शिला लेख से मिलती है। किसकी जानकारी? तो इंद्र बलराज की जानकारी, ठीक है। इस बांदक या भांदक शिला लेख में क्या कहा गया है? तो इंद्र बलराज को पांडु वंश का संस्थापक कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया है? पांडु वंश का संस्थापक कहा गया, ठीक है। पांडु वंश का क्या कहा गया है? तो संस्थापक कहा गया है। साथ ही इस बांदक शिला लेख में जो इंद्र बलराज हैं, इनके चौथे पुत्र, ठीक है, कौन से पुत्र? तो चौथे पुत्र, इनके चौथे पुत्र भवदेव की जानकारी मिलती है, ठीक है। किसकी जानकारी मिलती है? तो चौथे पुत्र भवदेव के बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसमें? तो बांदक शिला लेख में, ठीक है। किसमें जानकारी मिलता है हमको? तो हमको इसकी जानकारी मिलती है बांदक शिला लेख में, ठीक। इसके अलावा आप ध्यान देना, जो इंद्र बलराज हैं, इनका विवाह हुआ था लोक प्रकाशा से, ठीक है। किससे हुआ था? लोक प्रकाशा से, मतलब इंद्र बलराज की पत्नी का नाम क्या? लोक प्रकाशा। और ये जो लोक प्रकाशा रहती है, ये सर्वपुरीय वंश की राजकुमारी रहती है, ठीक है। किस वंश की राजकुमारी रहती है? सर्वपुरीय वंश की राजकुमारी रहती है। समझ में आ गया कौन से वंश की राजकुमारी है? तो सर्वपुरीय वंश की राजकुमारी है। साथ ही हमने देखा था कि ये जो इंद्र बलराज थे, ये इंद्र बलराज किसकी हत्या करके पांडु वंश की स्थापना किए थे? तो प्रवर राज द्वितीय, जो कि सर्वपुरी वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक। अब प्रवर राज द्वितीय मतलब सर्वपुरी वंश, तो सर्वपुरी वंश की राजधानी क्या? सिरपुर। तो सिरपुर के अंतर्गत किसकी हत्या हो जा रही है? तो प्रवर राज द्वितीय की हत्या हो जा रही है। और प्रवर राज द्वितीय की हत्या उपरांत जो इंद्र बलराज हैं, उन्होंने सिरपुर को ही क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो पांडु वंश की भी राजधानी आप क्या देखेंगे? सिरपुर देखेंगे, ठीक है। पांडु वंश की राजधानी क्या? तो पांडु वंश की राजधानी सिरपुर, ठीक। पांडु वंश की राजधानी क्या? तो पांडु वंश की राजधानी सिरपुर। अब एक चीज फिर से यहीं पर मैं और लिख देता हूं कि ये जो इंद्र बलराज थे, ये इसके बारे में हमको पता है कि ये क्या थे? राजा बनने से पहले, ठीक है, राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पूर्व, मतलब राजा बनने से पहले ये क्या थे? सामंत थे, ठीक। किसके सामंत? तो सर्वपुरी वंश में सामंत थे ये, ठीक। किसमें सामंत थे? तो सर्वपुरी वंश में सामंत थे। सर्वपुरी वंश के अंतर्गत कौन से दो राजा? तो ध्यान रखना आप, पहले तो क्या सुदेवराज, सुदेवराज ने ही क्या किया था? इनको सामंत नियुक्त किया था, जिसके उपरांत प्रवर राज द्वितीय, प्रवर राज द्वितीय। अब ये जो प्रवर राज द्वितीय हैं, कौन? प्रवर राज द्वितीय। ये प्रवर राज द्वितीय की क्या कर देते हैं? इंद्र बलराज हत्या कर देते हैं। इंद्र बलराज इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। प्रवर राज की क्या कर देते हैं? इंद्र बलराज द्वितीय क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक। और हत्या करने के उपरांत क्या करते हैं? ये सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना करते हैं। ठीक। सिरपुर में क्या करते हैं? पांडु वंश की ये स्थापना करते हैं। इसके उपरांत, ये तो बात रही राजा बनने से पूर्व की, ठीक है। अब राजा बनने के बाद, ठीक है, किसके बाद? तो राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद जो इंद्र बलराज थे, ठीक है, कौन? इंद्र बलराज, इन्होंने मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कहां पर? मध्य छत्तीसगढ़ में
इंद्रपुर नगर, ठीक है, क्या इंद्रपुर नगर मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा एक नगर, तो इंद्रपुर नगर, जिसे वर्तमान में हम खरौद के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, खरौद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंद्रपुर नगर की क्या की इन्होंने स्थापना की, ठीक है, क्या किया इन्होंने, इंद्रपुर नगर की स्थापना की। और इस इंद्रपुर नगर में, ठीक है, कौन से नगर में, इंद्रपुर नगर में जो ईशान देव हैं, ठीक है, ईशान देव कौन है, तो इंद्रबल राज के पुत्र हैं। ईशान देव ने क्या किया है, लखनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण कराया, तो लखनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, क्या कराया इन्होंने, तो लखनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। क्लियर है यहां तक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंद्रबल राज के बांदक शिलालेख में उनके किस पुत्र का वर्णन है, तो किस पुत्र का वर्णन है, भवदेव का वर्णन है, ठीक है, इनके चौथे पुत्र भवदेव का वर्णन मिलता है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है लखनेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मैंने अभी लाकर वहां पर अभी इसीलिए रोका था लखनेश्वर मंदिर को कि उसके बारे में कुछ और चर्चा मैं आपके साथ अगले क्वेश्चन में कर पाऊं। अगर वहीं पे मैं सारा डिटेल पहले बता देता आपको तो इधर आपको बनाने में अपना दिमाग खर्चा करना नहीं पड़ता, और जब तक दिमाग खर्चा नहीं करूं तब तक नौकरी कैसे लगू, है ना, तो नौकरी लगे पर थोड़ा दिमाग खर्चा करो। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या कथन दिया है, कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है आपको, किसके संबंध में, तो लखनेश्वर मंदिर के संबंध में। पहला क्या बोल रहा है, इसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है मंदिर में 1,00,000 चावल चढ़ाने की परंपरा है। तीसरा बोल रहा है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी सामंत जगपाल देव ने कराया। और चौथा बोल रहा है इसे लाखा चावल मंदिर कहते हैं। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, लगा लिया आपने अपना आंसर, ठीक, क्या छांटना है हमको, असत्य कथन छांटना है, ऐसा हमको बोला जा रहा है। तो असत्य कथन क्या है इसमें से, तो इसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस मंदिर को मतलब लखनेश्वर मंदिर को ही क्या कहा जाता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा, मंदिर में 1,00,000 चावल चढ़ाने की परंपरा है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मंदिर के अंतर्गत भगवान शिव का क्या है, एक शिवलिंग स्थापित है जिसमें 1,00,000 चावल चढ़ाने की क्या है, परंपरा है। तीसरा बोल रहा है इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी सामंत जगपाल देव ने कराया, यह कथन गलत है। ठीक है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के एक महामंत्री थे जिनका नाम था गंगाधर राव। ठीक, क्या नाम था, गंगाधर राव। गंगाधर राव के द्वारा इस मंदिर का क्या कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो गंगाधर राव जी के द्वारा इस मंदिर का क्या कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक, चौथा बोल रहा है इसे लाखा चावल मंदिर कहते हैं, सही है, लाख क्या कर रहे हैं, 1,00,000 चावल चढ़ा रहे हैं, तो 1,00,000 चावल चढ़ाने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाखा चावल मंदिर भी कहते हैं। समझ में आ गया, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस पांडु शासक के लिए कहा जाता है कि उसने पृथ्वी को शिव मंदिरों से भर दिया था। किसको, तो पृथ्वी को शिव मंदिरों से भर दिया था, ऐसा किस पांडु शासक के लिए कहा जाता है, इंद्रबल राज के लिए, महाशिव तिवर देव के लिए, महाशिव गुप्त के लिए, ये गुपत हो गया है। ठीक है, तो इसको गुपत मत करना, इसको क्या करना, आप गुप्त करना। ठीक है, महाशिव गुप्त, ठीक, महाशिव गुप्त और नंदराज प्रथम, तो किसके लिए कहा जाता है, जल्दी बताइए आप किसके लिए कहा जाता है, ये दे दिया आंसर आपने, तो इसका आंसर होगा नंदराज प्रथम। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, नंदराज प्रथम। नंदराज प्रथम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर दिया था, तो शिव मंदिरों से भर दिया था। मतलब इसका यह कथन नहीं है कि पूरे पृथ्वी में क्या कर दिया था, उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करा दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। उनके द्वारा ऐसा था कि अपने साम्राज्य के अंतर्गत या अपने राज्य शासन क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया था, बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या कराया गया था, बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसलिए क्या कहा जाता है इनके संबंध में कि इन्होंने क्या कर दिया था, संपूर्ण पृथ्वी को
शिव मंदिरों से भर दिया था। समझ में आ रहा है बात आपको, संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर दिया था इन्होंने, तो शिव मंदिरों से भर दिया था। ठीक, साथ ही एक पॉइंट मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो नंदराज प्रथम आप देख रहे हैं, तो नंदराज प्रथम के बारे में आपको पता है कि इनके कितने पुत्र, तो दो पुत्र। कौन कौन से दो पुत्र, तो महाशिव तिवरदेव और नंदराज द्वितीय, है ना। तो महाशिव तिवरदेव जो रहते हैं वो इनके गोद लिए हुए पुत्र रहते हैं। कैसे पुत्र रहते हैं, तो गोद लिए हुए पुत्र रहते हैं। कौन आपके, तो महाशिव तिवरदेव। कहा जाता है कि विवाह के लंबे समय उपरांत तक जो नंदराज प्रथम है उनको पुत्र नहीं होते रहता। ठीक है, क्या नहीं होते रहता, पुत्र नहीं होते रहता। इसलिए जो नंदराज प्रथम थे उन्होंने क्या किया था, महाशिव तिवरदेव को गोद लिया था। लेकिन जब वो महाशिव तिवरदेव को गोद लेते हैं उसके उपरांत जो इनके दूसरे पुत्र रहते हैं कौन, चंद्रगुप्त, उनका जन्म हो जाता है। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त उनके स्वयं के पुत्र रहते हैं और साथ ही महाशिव तिवरदेव क्या रहते हैं, उनके गोद लिए हुए पुत्र रहते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आंसर क्या होगा, नंदराज प्रथम। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महाशिव तिवरदेव के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। दूसरा बोल रहा है इनकी जानकारी राजिम बालोद बोंडा ताम्रपत्र से मिलती है। तीसरा बोल रहा है इन्होंने उत्कल मंडल स्वामी की उपाधि धारण की थी। और चौथा बोल रहा है महाशिव तिवरदेव माधव वर्मन द्वारा युद्ध में पराजित हुए। ठीक है, अब हमको क्या छांटना है, इसमें से सत्य कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि कौन से कथन सत्य है, एक दो सत्य है, दो चार सत्य है, एक दो तीन सत्य है, कि सभी सत्य है। चलो जल्दी से आंसर लगाइए, बना लिया आपने। चलिए पहले अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं महाशिव तिवरदेव के बारे में। तो ये जो महाशिव तिवरदेव हैं, महाशिव तिवरदेव, ठीक, कौन, तो महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव जो थे ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, कौन से धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे सबसे पहला। ठीक है, शिव नाम देखकर शैव धर्म नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भगवान शिव भी क्या है, तो वो भी वैष्णव उपासक है। ठीक है, भगवान शिव भी क्या है, वैष्णव उपासक है। ठीक है, पूजा करते हैं ना भगवान राम की, और राम भगवान क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो इसीलिए बोलो हर हर महादेव। ठीक है, क्या बोलना है आपको, हर हर महादेव। ठीक, तो महाशिव तिवरदेव किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, महाशिव तिवरदेव की उपाधि, ठीक है, इनकी उपाधि है एक तो महाभाव, महाशिव, सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति। अब ये जो सकल कोसलाधिपति है ये उपाधि धारण करते हैं संपूर्ण कोसल क्षेत्र पर। ठीक है, कहां पर, तो संपूर्ण कोसल पर विजय प्राप्त करके, संपूर्ण कोसल पर विजय प्राप्त करके, संपूर्ण कोसल मतलब दक्षिण कोसल पर क्या करके विजय प्राप्त करके इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। साथ ही इनकी एक उपाधि परम वैष्णव भी है। ठीक है, क्या है, परम वैष्णव भी क्या है, इनकी एक उपाधि है। क्लियर है, इनके जानकारी का जो स्रोत है, जानकारी, ठीक है, इनकी जानकारी मिलती है हमको एक तो राजिम, राजिम शिलालेख, बालोद शिलालेख, बोंडा शिलालेख, बोंडा वर्तमान रायगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजिम बालोद और बोंडा शिलालेख से क्या मिल रही है हमको, इनकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, ठीक है, शिलालेख नहीं, सॉरी, ये क्या है, ये सारे आपके ताम्रपत्र हैं। ठीक है, क्या है, ताम्रपत्र हैं, राजिम ताम्रपत्र, बालोद ताम्रपत्र,
और बुंडा ताम्र पत्र। ठीक है, इसमें राजिम ताम्र पत्र में इनके परम वैष्णव उपाधि का उल्लेख है। ठीक है, क्या कहा गया इनको? परम वैष्णव कहा गया। कौन से ताम्र पत्र में? तो राजिम ताम्र पत्र में। साथ ही राजिम और बालोद ताम्र पत्र के अंतर्गत महाशिव तिवर देव के पराक्रम का उल्लेख है। ठीक, किसका उल्लेख है? तो पराक्रम का उल्लेख है, महाशिव तिवर देव के पराक्रम का उल्लेख। साथ ही ये जो महाशिव तिवर देव है, इनके बारे में आप जानना कि एक अडभार ताम्र पत्र है। ठीक है, कौन सा ताम्र पत्र? अडभार ताम्र पत्र। ठीक है, जो अडभार स्थान है ये वर्तमान के अंतर्गत शक्ति जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में? शक्ति में। ये अडभार ताम्र पत्र हालांकि महाशिव तिवर देव का नहीं है। किसका नहीं है? तो महाशिव तिवर देव का नहीं है। ठीक है, ये जो अडभार ताम्र पत्र है ये इनके पुत्र नंदराज द्वितीय का है। किसका है? तो इनके पुत्र नंदराज द्वितीय का है। और इसमें कहा गया है अडभार ताम्र पत्र में कि जो महाशिव तिवर देव थे, इन्होंने अपना साम्राज्य उत्कल तक फैलाया था। अपना साम्राज्य उत्कल तक फैलाया था, इसलिए इन्हें उत्कल मंडल स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल मंडल स्वामी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी उपाधि एक और क्या मिल गई आपको? तो उत्कल मंडल स्वामी भी क्या है? इनकी उपाधि है। क्लियर है? क्या है उपाधि इनकी? तो उत्कल मंडल स्वामी भी क्या है? इनकी उपाधि है। क्लियर? इसके अलावा जो महाशिव तिवर देव हैं, इनके मुद्राओं में दो प्रकार की मुद्रा है। एक है राज मुद्रा और दूसरा है सामान्य मुद्रा। राज मुद्रा और सामान्य मुद्रा। तो जो इनकी राज मुद्रा है इसमें गरुड़ अंकित है। ठीक है, क्या अंकित है? गरुड़ अंकित है। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, वैष्णव धर्म के उपासक हैं, इसलिए इनके राजमुद्रा में क्या प्रतीक है? तो गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है। साथ ही इनके सामान्य मुद्राओं में सकल कोसलाधिपति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सकल कोसलाधिपति लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सकल कोसलाधिपति लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो रहा सामान्य चर्चा। किसके बारे में? महाशिव तिवर देव के बारे में। अब ये जो महाशिव तिवर देव हैं, कौन? महाशिव तिवर देव, ये इनका एक युद्ध होता है, दक्षिण के एक शासक रहते हैं, दक्षिण के विष्णु कुंडी शासक माधव वर्मन, उनके साथ क्या होता है? इनका युद्ध होता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इस युद्ध में महाशिव तिवर देव क्या होते हैं? पराजित होते हैं। साथ ही पराजित होने के उपरांत ये इस युद्ध में मारे भी जाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कहां पर? हम अपने क्वेश्चन पर। जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया आपको, इसमें कहीं कुछ डाउट है तो बोलिए, और नहीं है तो मेरी तारीफ कीजिए। ठीक है, क्या करना है? तारीफ करना है। जोक सपाट, तारीफ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्या करना है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? महाशिव तिवर देव के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला क्या बोल रहा है? ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। बिल्कुल सही है। क्या है? ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। दूसरा क्या? इनकी जानकारी राजिम बालोद बुंडा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो यह भी कथन सही है। अभी हमने देखा कि राजिम बालोद और बुंडा ताम्रपत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से बताइए कि कौन से दो ताम्रपत्र में महाशिव तिवर देव के पराक्रम का उल्लेख है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इन्होंने उत्कल मंडल स्वामी की उपाधि धारण की थी। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अभी देखा हमने कि जो महाशिव तिवर देव हैं, उनके पुत्र कौन? नंदराज द्वितीय। और नंदराज द्वितीय का एक ताम्रपत्र है अडभार ताम्रपत्र। उस अडभार ताम्रपत्र में क्या कहा गया है कि जो महाशिव तिवर देव है उन्होंने अपना साम्राज्य कहां तक विस्तृत किया था? तो उत्कल, आज वर्तमान के उड़ीसा तक विस्तृत किया था, इसलिए इनकी उपाधि क्या? तो उत्कल मंडल स्वामी की इनकी उपाधि है। चौथा क्या बोल रहा है? महाशिव तिवर देव माधव वर्मन द्वारा युद्ध में पराजित हुए। यह कथन भी सत्य है। अभी मैंने बताया आपको कि एक विष्णु कुंडी शासक थे दक्षिण के अंतर्गत, जिनका नाम क्या? माधव वर्मन। इससे क्या हुए थे? ये युद्ध में पराजित हुए थे और फिर इसी युद्ध में ये मारे भी गए थे, इसलिए ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी,
सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। क्लियर है? अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। देखिए, देवरक्षित किस पांडु शासक के समान थे? जल्दी बनाइए। क्या पूछा जा रहा है आपको? देवरक्षित किस पांडु शासक के सामंत थे? तो किस पांडु शासक के सामंत थे? नंदराज प्रथम के, महाशिव गुप्त के, महाशिव तिवरदेव के कि नंदराज द्वितीय के? तो जो देवरक्षित थे ये नंदराज द्वितीय के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, अभी हमने देखा था कि महाशिव तिवरदेव ने क्या कर लिया था, तो इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कहां तक कर लिया था? उड़ीसा तक कर लिया था। तो इसके बाद हमको पता चलता है कि जो जब उनके पुत्र नंदराज द्वितीय का शासन आता है, महाशिव तिवरदेव के पुत्र नंदराज द्वितीय का सामंत आता है, तो ये जो नंदराज द्वितीय थे इन्होंने उत्कल वाले क्षेत्र पर अपना कंट्रोल खो दिया था। ठीक है, मतलब जो क्षेत्र इनके पिता के द्वारा विजित किए गए थे उन क्षेत्रों पर क्या कर दिया गया था? इनके द्वारा अपना कंट्रोल खो दिया गया। लेकिन इन्होंने, मतलब नंदराज द्वितीय ने, अपने सामंत देवरक्षित की सहायता से महाराष्ट्र के अंतर्गत जो वर्धा वाला क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं? ये अपना साम्राज्य विस्तृत कर लेते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा हम नंदराज द्वितीय के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। ये जो नंदराज द्वितीय हैं, इनकी जानकारी, ठीक है, इनकी जानकारी, ठीक, इनकी जो जानकारी है ये हमको किससे मिल रही है? अडभार ताम्रपत्र से। अडभार ताम्रपत्र, ठीक है, अडभार ताम्रपत्र में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नंदराज द्वितीय ने अपने उल्लेख कम और अपने पिता का उल्लेख ज्यादा किया है। ठीक है, तो अडभार ताम्रपत्र में अपने से अधिक अपने पिता का उल्लेख किया है, अपने से अधिक अपने पिता का उल्लेख किया है इन्होंने। ठीक है, अपने से अधिक अपने पिता का उल्लेख किया है। दूसरी जो इनकी जानकारी का स्रोत है वो है सेन कपाट अभिलेख। सेन कपाट अभिलेख, ठीक, और इसमें इन्होंने स्वयं को, किसको? स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। ठीक है, क्या कहा है? योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है इन्होंने। किसको कहा है? तो खुद को कहा है कि मेरे पिता भी योग्य थे और मैं भी योग्य हूं। ठीक है, क्या थे? मेरे पिता भी योग्य थे और मैं भी योग्य हूं। किसमें कहा है? सेन कपाट अभिलेख में कहा है। अब इसके बाद हमको नंदराज द्वितीय के बारे में इतना पता है कि ये क्या थे? संतान विहीन थे, इनका कोई संतान नहीं था, निसंतान थे ये, इसलिए क्या हो जाता है? इनके उपरांत जो पांडु वंश की सत्ता है वो किसको प्राप्त हो जाती है? तो इनके चाचा चंद्रगुप्त द्वितीय को, सॉरी सिर्फ चंद्रगुप्त, द्वितीय द्वितीय का रोल नहीं है यहाँ पे, चंद्रगुप्त को क्या हो जाती है? अगली सत्ता प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है, किस ताम्रपत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन को महापितृ धानु ध्याता कहा गया? यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना आप। महापितृ धानु ध्याते नहीं है ये मातृ पितृ ध्यानु धाता, मातृ पितृ ध्यानु ध्याता कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? मातृ पितृ धानु ध्याता कहा गया है। ठीक है, तो किस ताम्रपत्र में यह कहा गया है यह बताना है आपको। ठीक है, किस ताम्रपत्र में कहा गया, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए अपना। चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। ठीक है, अभी जब मैं राजवंश एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हर्षगुप्त थे उनका विवाह किससे हुआ था? तो वाष्टा देवी से हुआ था। वाष्टा देवी किस वंश की राजकुमारी? तो मगध के मौखरी वंश की राजकुमारी। और ये जो मगध की मौखरी वंश की राजकुमारी रहती है, कौन? वाष्टा देवी। और हर्षगुप्त को पुत्र प्राप्त हुआ कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो जब महाशिवगुप्त बालार्जुन का जन्म हो जाता है, इसके उपरांत 595 AD में, 595 ईस्वी में, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता रहते हैं हर्षगुप्त, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय महाशिवगुप्त क्या रहते हैं?
तो महाशिव गुप्त उस समय अल्पवयस्क रहते हैं, अंडर एज रहते हैं, ठीक। इसलिए जो पांडु वंश का सत्ता है वो कौन संभालती है, तो इनकी माता वाष्णा देवी के द्वारा क्या किया जाता है, पांडु वंश का संचालन किया जाता है। इसलिए वाष्णा देवी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला संरक्षिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहली महिला संरक्षिका कहा जाता है, ठीक है। अब 595 एडी में क्या हो जाता है, इनके पिता की मृत्यु हो गई, और पिता की मृत्यु उपरांत अब जो वाष्णा देवी रहती है वो धीरे से क्या करने लगती है, अपने पुत्र को एक राजा के सभी गुण, कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, है ना, राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक, इन सब चीजों के बारे में क्या लगती है, करने लगती है, शिक्षा देने लगती है। माता ही क्या होती है, हमारी प्रथम गुरु होती है, तो माता के द्वारा, महाशिव गुप्त के माता के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है, ठीक है। इसी बीच बचपने के समय में कहा जाता है कि जो महाशिव गुप्त थे वो धनुष चलाने में बहुत पारंगत थे, ठीक है, क्या थे, धनुष चलाने में बहुत ही पारंगत थे, इसलिए इनको बालार्जुन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बालार्जुन कहा जाता है। बचपन से ही धनुष बाण चलाने में क्या ये पारंगत, किसके समान, तो अर्जुन के समान, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बालार्जुन कहा जाता है, ठीक। इसके उपरांत 604 ईस्वी में, कब, 604 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, ठीक है। राज्याभिषेक जब होता है इनका, किनका, महाशिवगुप्त बालार्जुन का, तो राज्याभिषेक के समय जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, इन्होंने ठीक जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे इन्होंने अपने शासन प्रशासन एवं नीतियों के संबंध में चर्चा हेतु ये क्या करते थे, तो इन्होंने ताम्रपत्र जारी किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने, ताम्रपत्र जारी किया, ठीक, इन्होंने क्या किया, तो ताम्रपत्र इन्होंने जारी किया। समझ में आ गया, क्या किया इन्होंने, ताम्रपत्र जारी किया, और ताम्रपत्र इन्होंने जो जारी किया वो हमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला तो हमको सिरपुर से प्राप्त हुआ है, और सिरपुर से हमें इनके 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, और ये छत्तीसगढ़ में किसी भी एक शासक के प्राप्त सर्वाधिक ताम्रपत्र भी है, ठीक है। कितना, तो 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और ये जो ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए हैं इनका अध्ययन, मतलब सिरपुर से प्राप्त ताम्रपत्रों का अध्ययन रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। किसने किया है, रमेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया है, इन ताम्रपत्रों का अध्ययन किया है, ठीक है। क्या किया है, इन ताम्रपत्रों का अध्ययन किया है, ठीक। इसके अलावा जो महाशिव तिवर देव हैं, इनका ताम्रपत्र बारदुला, बोंडा और लोधिया से भी प्राप्त हुआ है, ये स्थान रायगढ़ के अंतर्गत है, और इन तीनों स्थान से एक एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो एक एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महाशिव तिवर देव का ताम्रपत्र हमको मल्हार से भी प्राप्त हुआ है, और इस मल्हार ताम्रपत्र में महाशिव तिवर देव को मातृ पितृ ध्यानु ध्याता मातृपितृ धानु धानु मातृपितृ धानु ध्याता कहा गया है। साथ ही परम महेश्वर इनकी उपाधि का भी उल्लेख मिलता है, परम महेश्वर, परम महेश्वर इनकी उपाधि का क्या होता है हमको उल्लेख मिलता है, किस ताम्रपत्र में, तो मल्हार ताम्रपत्र में, क्लियर है, ठीक है। किस ताम्रपत्र में उल्लेख मिल रहा है, तो मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेख मिल रहा है, ठीक। साथ ही महाशिवगुप्त के अगर निर्माण की बात करें, तो इनके द्वारा पाली में एक प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि शिव मंदिर है। इसके अलावा सिरपुर में इनके द्वारा क्या कराया गया है, तो सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, जो कि इनकी माता, माता कौन, तो वाष्णा देवी, वाष्णा देवी ने अपने पति कौन,
हर्षगुप्त की स्मृति में क्या करते हैं, वो एक मंदिर का निर्माण कराना शुरू करते हैं जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण कराना शुरू करते हैं? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराना शुरू करते हैं। ठीक है, और उस लक्ष्मण मंदिर के कार्य को पूर्ण कौन कराते हैं? तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन उस मंदिर के कार्य को क्या कराते हैं? पूर्ण कराते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो महाशिव गुप्त हैं, इनके समय 639 एडी में एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या? तो हेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री का नाम क्या? हेनसांग। और ये जो हेनसांग है, इनकी रचना क्या थी? सीयू की। सीयू की में इन्होंने क्या किया था? तो छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा था। क्या कहा था? किया सलो कहा था। साथ ही वो किस लिए आए थे यहां? तो वो आए थे जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनका क्या कर सके? वो दर्शन कर सके। साथ ही अगर कोई बौद्ध ग्रंथ मिले तो उनका वो क्या कर सके? अध्ययन कर सके। मुख्य रूप से भारत आने का उनका यही मकसद था। ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथों का क्या कर सके? वो अध्ययन कर सके। साथ ही बौद्ध तीर्थों का क्या कर सके? हेनसांग दर्शन कर सके। समझ में आ रहा है? अब जब हेनसांग आते हैं इनके समय में, तो इनके साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था को देखते हैं, सभी धर्म के प्रति क्या देखते हैं? एक सहिष्णुता देखते हैं। तो इन सब उच्च गुणों के कारण महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को हेनसांग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहते हैं। साथ ही हेनसांग उल्लेख करते हैं कि जो महाशिव गुप्त हैं इनके समय में सिरपुर के अंतर्गत 70 देव मंदिर है। कितने? 70 देव मंदिर है। साथ ही 100 बौद्ध संघाराम भी है। ठीक है, कितने बौद्ध संघाराम हैं? तो 100 बौद्ध संघाराम हैं, जिसमें कहा गया है कि 10,000 बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। कितने बौद्ध भिक्षु? 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे हैं। इसी समय उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा थी, ठीक है, मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं क्या करूं कि सम्राट अशोक के द्वारा जो सिरपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया है उसके भी दर्शन कर सकूं, लेकिन मुझे कहीं पर भी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप के बारे में क्या नहीं होता है? पता नहीं चला है। ठीक है, मतलब सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध स्तूप बनवाया गया है उसके बारे में किसको कोई भी जानकारी नहीं मिलती? तो हेनसांग को उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? इसके अलावा जो महाशिव महाशिव गुप्त जो हैं, इनके सिक्कों पर, ठीक है, जो महाशिव तिवरदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनके सिक्कों पर कुकुदमान, गजलक्ष्मी, त्रिशूल एवं वृषभ के भी क्या हैं? चित्र अंकित हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, किस ताम्रपत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन को मातृपित्र धानुध्याता कहा गया है? तो किस ताम्रपत्र में कहा गया है? तो मल्हार ताम्रपत्र में इनको मातृपित्र धानुध्याता कहा गया है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में कथनों पर विचार करें। सभी कथन को मैं बता दिया हूं, आराम से आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। पहला क्या बोल रहा है? इनके समय सिरपुर में 70 देव मंदिर तथा 100 बौद्ध संघाराम थे। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? इन्होंने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा बोल रहा है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। चौथा बोल रहा है, इनके ताम्रपत्र का अध्ययन भगवान सिंह बघेल ने किया। और पांचवा बोल रहा है, इनके मुद्रा में कुकुदमान, गजलक्ष्मी, गरुड़, वृषभ, त्रिशूल अंकित था। अब हमको छांटना क्या है इसमें? असत्य कथन नहीं है बोल रहा है। कौन सा कथन असत्य नहीं है? मतलब आपको यहां पर सत्य कथन छांटने हैं। क्या छांटने हैं? सत्य कथन छांटने हैं। जल्दी छांटो सत्य कथन, लगा लिया आंसर? तो देखो, इनके समय में सिरपुर में 70 देव मंदिर तथा 100 बौद्ध संघराम थे। सही है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था 70 देव मंदिर और 100 बौद्ध संघराम थे। दूसरा, इन्होंने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया। यह भी बिल्कुल सही कथन है, पाली में इन्होंने प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया। एक हम लोग पढ़ेंगे पाली के बाण वंश, उसके अंतर्गत एक शासक आएंगे विक्रमादित्य, उनके द्वारा पाली में प्रस्तर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, उनके द्वारा भी पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? पाली का प्रस्तर मंदिर। ठीक है, और यह क्या है? पाली का प्रशस्त मंदिर। ठीक, दोनों शिव मंदिर है, महाशिव गुप्त द्वारा निर्मित प्रशस्त मंदिर, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्रस्तर मंदिर। तीसरा क्या बोल रहे हैं? सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया।
अभी मैंने बताया था कि निर्माण कार्य प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था, तो वाष्टा देवी के द्वारा हुआ था। उस निर्माण कार्य को कंप्लीट किसके द्वारा कराया गया, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा कराया गया। इसलिए कथन क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है, इनके ताम्रपत्र का अध्ययन भगवान सिंह बघेल ने किया। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके ताम्रपत्र का अध्ययन रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। पांचवा क्या बोल रहा है, इनके मुद्रा में कुकुदमान, गजलक्ष्मी, गरुड़, वृषभ, त्रिशूल अंकित था। तो अभी मैंने बोला कि कुकुदमान है, गजलक्ष्मी है, वृषभ है और त्रिशूल है, लेकिन गरुड़ इनके सिक्कों पर अंकित नहीं था। गरुड़ किसके सिक्कों पर अंकित था, तो महाशिव तिवर देव के सिक्कों पर अंकित था। ठीक है, किसके सिक्कों पर अंकित था, तो महाशिव तिवर देव के सिक्कों पर अंकित था। इसलिए यह कथन भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। कौन कौन सा कथन आपका सही है, तो एक और दो जो कथन है वो सही है, मतलब डी क्या है आपका सही है। ठीक, क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या करना है आपको, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है, इस मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने तैयार की। दूसरा बोल रहा है, मंदिर की तुलना ताजमहल से की जाती है। तीसरा बोल रहा है, गर्भगृह में शेषनाग विराजमान है। और चौथा बोल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर को समय के गाल पर चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। इस मंदिर को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, समय के गाल पर चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। और सत्य कथन आपको पहचानना है, जल्दी से सत्य कथन पहचानिए आप, लगा लिया आपने आंसर। अब देखिए चर्चा करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, इस मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने तैयार की। बिल्कुल यह कथन सत्य है, इस मंदिर की जो प्रशस्ति रचना है वो किसने तैयार की है, तो कवि ईशान ने क्या की है, इस मंदिर की प्रशस्ति रचना तैयार की है। ठीक है, और कवि ईशान कौन थे, तो कवि ईशान महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्या थे, इनके दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा ही इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक, दूसरा, इस मंदिर की तुलना ताजमहल से की जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। एडविन एराल्ड ने जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का, उसकी तुलना ताजमहल से की है। गर्भगृह में शेषनाग विराजमान है, यह भी बिल्कुल सही है, गर्भगृह के अंतर्गत शेषनाग विराजमान है। ठीक, गर्भ के अंतर्गत क्या है, शेषनाग विराजमान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर को समय के गाल पर चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। ठीक है, यह कथन भी बिल्कुल सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या कहा है, समय के गाल पर चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। मतलब समय कितना भी आगे बढ़ता जाए, उस समय के गाल पर क्या रहेगी, एक हमेशा चमक रहेगी। ठीक है, या उस समय के गाल पर एक ऐसा रत्न रहेगा हमेशा, जो हमेशा चमकता रहेगा। ऐसी तुलना की है किसकी, तो लक्ष्मण मंदिर की। किसने की है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। तो सभी कथन आपको समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो एक दो तीन चार सभी सत्य है, तो ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, डी नहीं लगाना ना। यहां पर क्या बोल रहे हैं, सभी असत्य है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी असत्य है बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बमनी ताम्र पत्र से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बमनी ताम्र पत्र से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, कौन कौन से वंश दिए हैं, मैकल का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश, कलिंग का सोमवंश और सिरपुर का सोमवंश। मतलब सोमवंश में से किसी एक का प्राप्त हो रहा है, अब इनमें से कौन सा सोमवंश है, जल्दी आंसर लगाइए। ठीक, तो ये जो बमनी ताम्र पत्र है, इस बमनी ताम्र पत्र से हमको मैकल के सोमवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहां के सोमवंश की, तो मैकल के सोमवंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक, अब ये जो मैकल के सोमवंश हैं, जो सोमवंश है टोटल, वो चार शाखाओं में विभाजित रहा है। ठीक, पहला है मैकल का सोमवंश, दूसरा मैकल के बाद आप ध्यान देंगे सिरपुर का सोमवंश, सिरपुर के बाद कलिंग का सोमवंश और कलिंग के बाद कांकेर का सोमवंश। ठीक है, तो जो मैकल का सोमवंश रहा है, इस मैकल के सोमवंश का समय रहा है पांचवीं से छठवीं सदी। ठीक है, कौन सा समय रहा है, पांचवीं से छठवीं सदी। और इस मैकल के सोमवंश वालों की राजधानी थी अमरकंटक। क्या थी राजधानी, अमरकंटक। इसके अलावा अगर हम इसके राजवंश की बात करें, तो मैकल के सोमवंश के संस्थापक थे जयबल। ठीक है, कौन थे संस्थापक, तो जयबल मैकल के सोमवंश के संस्थापक थे। ठीक, उसके उपरांत एक वत्सराज करके शासक आते हैं, वत्सराज के उपरांत नागबल, नागबल के उपरांत भरतबल और भरतबल के उपरांत सुरबल। ठीक है, नागबल के उपरांत भरतबल और भरतबल के उपरांत सुरबल।
इसमें से जो भरत बल थे उन्हीं का क्या था, बमनी ताम्रपत्र था। ठीक है, भरत बल का क्या था, बमनी ताम्रपत्र था। ठीक है, और इस बमनी ताम्रपत्र से क्या होता है, हमको मैकल के सोमवंश की जानकारी प्राप्त होती है। जो मैकल का सोमवंश, इसके संस्थापक कौन, तो संस्थापक याद रखेंगे जयबल, और इसके अंतिम शासक कौन, तो अंतिम शासक हैं सूरबल। साथ ही इस वंश की राजधानी कहां पर, तो राजधानी अमरकंटक में। ठीक है, राजधानी कहां पर, तो राजधानी अमरकंटक में। ठीक, इसके अलावा ये जो कलिंग वाला आप देख रहे हैं, तो कलिंग का जो सोमवंश है इसके संस्थापक हैं शिवगुप्त, और इसके अंतिम शासक हैं उद्योग केसरी। अंतिम शासक कौन है, तो उद्योग केसरी है। ठीक है, क्लियर है। सिरपुर का सोमवंश मतलब पांडुवंश के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, कांकेर का सोमवंश अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है, भरत बल का है, जय बल का है, शिव बल, सूर बल का है, कि शिवगुप्त का है। जल्दी से आंसर लगाइए। लगा लिया आंसर आपने, तो ये जो मारंजमूर शिलालेख है ये ययाति शिवगुप्त का है। ठीक है, किसका है, ययाति शिवगुप्त का है, जो कि कलिंग में सोमवंश के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, कलिंग में क्या है, ये ययाति शिवगुप्त जो है वो सोमवंश के संस्थापक है। साथ ही जो सोमवंश है कलिंग वाले, उनकी उपाधि थी त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, उपाधि क्या थी उनकी, तो त्रिकलिंगाधिपति उनकी उपाधि थी। साथ ही इन्हें कौशलेंद्र भी कहा जाता था। ठीक है, अगली इनकी क्या उपाधि थी, तो कौशलेंद्र भी क्या थी, इनकी उपाधि थी। संस्थापक कौन हो गए, तो शिवगुप्त हो गए। साथ ही मैंने बताया था कि इसके अंतिम शासक कौन, तो उद्योग केसरी। ठीक, और ये जो उद्योग केसरी रहते हैं, इनको 1055 ईस्वी के अंतर्गत जो रतनपुर में, अभी आगे हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश, तो रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, और जो इनके क्षेत्र में रहता है सिरपुर वाला क्षेत्र, उस सिरपुर क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही आप ध्यान देना कि जो कलिंग के सोमवंश रहे हैं उनकी दो राजधानियां आपको याद रखनी है, एक कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत ययाति नगर और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सिरपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या, तो सिरपुर। क्लियर। अगला, कांकेर के सोमवंश का अंतिम शासक कौन था, कांकेर के सोमवंश का अंतिम शासक कौन था पूछ रहे आपको, उद्योग केसरी था कि सूरबल था कि चंद्रसेन था कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आंसर लगाइए। लगा लिया आंसर आपने, तो ये जो कांकेर का सोमवंश है इसके अंतिम शासक थे चंद्रसेन देव। ठीक है, कौन थे, चंद्रसेन देव। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक रहते हैं सिंहराज। ठीक है, कौन रहते हैं संस्थापक, तो सिंहराज रहते हैं। सिंहराज के उपरांत अगले आते हैं व्याघ्रराज, और व्याघ्रराज के उपरांत जो शासक आते हैं वो रहते हैं वोपदेव। सिंहराज, सिंहराज के उपरांत व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के उपरांत वोपदेव, और वोपदेव के उपरांत पता चलता है कि जो कांकेर का सोमवंश है वो क्या हो जाता है, तीन शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कांकेर का सोमवंश क्या हो जाता है, तीन शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक, पहला जो क्षेत्र रहता है वो रहता है आपका सिहावा क्षेत्र, और ये जो सिहावा क्षेत्र है ये मिलता है, ठीक है, किस सोमवंशी शासक को मिलता है, तो कर्णराज को क्या होता है, सिहावा क्षेत्र मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक शासक रहते हैं पंपराज, और इस पंपराज को तहनका पारा क्षेत्र मिलता है जो कि वर्तमान बस्तर के अंतर्गत है, और एक रहते हैं भानुदेव, और भानुदेव को कांकेर क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक, इसमें से जो कर्णराज रहते हैं वो सिहावा क्षेत्र के अंतर्गत एक शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं, और साथ ही इन्हीं भानुदेव के द्वारा ही, सॉरी कर्णराज के द्वारा ही जो कांकेर क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है, एक राम मंदिर का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, सिहावा के अंतर्गत शिव मंदिर, और कांकेर के अंतर्गत दूध नदी के किनारे एक राम मंदिर का भी क्या किया जाता है, निर्माण कराया जाता है।
ठीक। और ऐसी भी जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा कुल 6 मंदिरों का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। कितने मंदिरों का निर्माण कराया जाता है? कुल 6 मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। इसमें से जो छठवां मंदिर था उसका निर्माण कर्ण देव ने अपनी पत्नी या अपनी रानी भोपल्ला देवी के नाम पर कराया था, ठीक है। किसके नाम पर कराया था? तो भोपल्ला देवी के नाम पर कराया था। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मड़वा महल कितने स्तंभों में निर्मित है, ठीक। क्या बोल रहा है आपको? मड़वा महल कितने स्तंभों में निर्मित है? 12, 14, 8 या 16? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। 12, 14, 8 या 16? जल्दी से दीजिए आप अपना आंसर। तो ये जो मड़वा महल है इसके अंतर्गत आप जानिए कि इसमें कुल 16 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? तो कुल 16 स्तंभ हैं, ठीक। ये जो मड़वा महल है इसे किस रूप में जानते हैं हम? तो इस मड़वा महल को आप जानेंगे कि इस मड़वा महल को विवाह का मंडप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवाह का मंडप भी कहा जाता है। और इसकी जो आकृति है वो एक विवाह के समियाने के जैसा है, ठीक है। मड़वा महल की आकृति कैसी है? विवाह के समियाने के जैसा है। ये जो मड़वा महल है इस मड़वा महल के अंतर्गत फणी नागवंश के साथ साथ रामचंद्र देव एवं कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ठीक है। फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव एवं कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का क्या हुआ था? इसमें विवाह हुआ था, ठीक है। और ये जो मड़वा महल है इसे दुल्हा देव का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुल्हा देव का मंदिर भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक। किसका किसका विवाह? तो कलचुरी रानी अंबिका देवी एवं फणी नागवंश के राजा कौन? तो रामचंद्र देव का विवाह हुआ था। साथ ही इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। क्या स्थापित है? तो शिवलिंग स्थापित है, ठीक। कौन सा? तो शिवलिंग स्थापित मतलब किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा जो फणी नागवंश के ऊपर जैसे कुछ चर्चा करें हम, तो जो फणी नागवंश है इस फणी नागवंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अहिराज को इस वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। फणी नागवंश वर्तमान छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के अंतर्गत 11वीं से 14वीं सदी तक क्या था? विकसित था, ठीक है। कब से कब तक? तो 11वीं से 14वीं सदी तक ये जो है ये विकसित था, ठीक है। इनकी राजधानी कवर्धा थी, ठीक है। क्या थी इनकी राजधानी? तो इनकी राजधानी थी कवर्धा, ठीक। और ये जो फणी नागवंश के शासक थे ये शैव धर्म का पालन करने वाले थे। मैंने अभी आपको बताया कि फणी नागवंश के संस्थापक कौन थे? अहिराज थे, ठीक है। पहले शासक अहिराज थे और अहिराज से लेकर मोनिंग देव तक, मोनिंग देव इस वंश के अंतिम शासक रहते हैं, तो अहिराज से लेकर मोनिंग देव तक इस वंश में कुल 24 राजाओं का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। मतलब 24वें राजा तो रामचंद्र देव रहते हैं, मोनिंग देव 25वें राजा रहते हैं, ठीक है। मोनिंग देव क्या रहते हैं? 25वें राजा रहते हैं। पहले राजा कौन हो गए? अहिराज। अहिराज को सर्पों का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्पों का राजा कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? सर्पों का राजा कहा गया। छठवें राजा होते हैं कौन? गोपाल देव। गोपाल देव मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि गोपाल देव के द्वारा क्या किया गया है? भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। किस मंदिर का निर्माण कराया गया है? भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया। कब? तो 1089 ईस्वी में, 1089 AD में क्या कराया गया? तो गोपाल देव के द्वारा आपका क्या कराया गया? गोपाल देव के द्वारा आपके भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। ये जो भोरम देव का मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है पूछे आपको? तो आप बताएंगे नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। साथ ही इस नागर शैली में निर्मित होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चंदेल शैली भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी शैली बोलते हैं? चंदेल शैली बोलते हैं। चंदेल शैली कौन? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चंदेल शासक थे, है ना, उनके द्वारा इसी शैली में क्या किया गया था? मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत खजुराहो मंदिरों का क्या किया गया था? निर्माण कराया गया था, ठीक है। और उन्हीं मंदिरों से क्या होने के कारण, समानता होने के कारण जो भोरम देव का मंदिर है उसे क्या बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक। ये जो मंदिर है इस मंदिर के सभा मंडप में एक मूर्ति रखी गई है जो कहा जाता है कि ये क्या है? गोपाल देव की मूर्ति है, ठीक है। किसकी मूर्ति है? गोपाल देव की मूर्ति है। साथ ही
जो मंदिर का गर्भगृह है, ठीक है, क्या है आपका गर्भगृह है, उस गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित क्या है, शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, मंदिर के गर्भगृह में क्या है, काले पत्थर से निर्मित गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। ये जो गोपाल देव थे, गोपाल देव को कलचुरी वंश के एक शासक, परम प्रतापी शासक जाजल देव प्रथम ने क्या किया था, पराजित किया था, और पराजित करके जो कवर्धा के अंतर्गत फड़ी नागवंश है इनको अपने अधीन कर लिया था। समझ में आ गया, किसके अधीन कर लिया था, तो अपने अधीन इन्होंने कर लिया था। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है, पाली के बाण वंश के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे, पाली के बाण वंश के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे, मंडलाधिपति, कोसलाधिपति, मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर। तो जल्दी अपना आंसर लगाइए आप कि पाली के जो बाण वंशीय शासक हैं उनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, उनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, लगा लिया आंसर। तो इसका है आंसर महामंडलेश्वर। ठीक है, क्या है आंसर, महामंडलेश्वर। अब पाली का जो बाण वंश है इनका शासन का समय है 9वीं से 10वीं सदी। ठीक है, कौन सी सदी, तो 9वीं से 10वीं सदी तक क्या किया गया है, पाली के बाण वंशों वाले शासकों के द्वारा शासन किया गया है। पाली के बाण वंश, पाली वर्तमान कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, और इस पाली के बाण वंश के संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। ठीक है, कौन थे, महामंडलेश्वर मल्लदेव, और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नाम आता है विक्रमादित्य का। ठीक है, अंतिम शासक के रूप में तो नहीं, लेकिन बोल सकते हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम शासक थे, क्योंकि इसके बाद और किसी शासक का खासकर उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये जो विक्रमादित्य रहते हैं, इनके द्वारा पाली में मैंने बताया था आपको कि प्रस्तर शिव मंदिर का क्या कराया गया है, निर्माण कराया गया है। साथ ही इन्हीं के समय, मतलब ये विक्रमादित्य के समय, जो कलचुरी शासक रहते हैं शंकरगढ़ द्वितीय, वो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं और पाली के बाण वंश को पराजित करते हैं। जब मैं कल कलचुरी वंश आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कलचुरी वंश जब पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कलचुरी वंश में आप पाएंगे कि पूरा पाली का जो बाण वंश है उसके अंतर्गत कैसे कैसे गतिविधियां हुई, इसको मैं कलचुरी वंश के साथ में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। क्योंकि वहां से क्या होगा, हमारी एक पृष्ठभूमि तैयार होगी कलचुरी वंश को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वाले, वर्तमान छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में लाने की क्या होगी, हमारी एक पृष्ठभूमि तैयार होगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैक्सिमम चर्चा मैं कहां पर करूंगा, विक्रमादित्य और शंकरगढ़ द्वितीय के बारे में जब हम कल कलचुरी वंश पढ़ेंगे तब क्या करूंगा, मैं इसके संबंध में चर्चा करूंगा। आज हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवर्धा पैलेस के विषय में कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, किसके संबंध में, कवर्धा पैलेस के संबंध में। पहला बोल रहा है, इसके गुंबद में, इसके गुंबद पर सोने चांदी की नक्काशी हुई है। दूसरा बोल रहा है, इस महल के वास्तुकार राजनांदगांव रियासत के राजा थे। तीसरा बोल रहा है, महल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है। चौथा बोल रहा है, इस महल में कुछ समय तक जिला प्रशासन का मुख्यालय था। असत्य कथनों पर हमको विचार करना है, एक और चार असत्य है कि दो और चार असत्य है कि एक, तीन और चार असत्य है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप विचार कीजिए, लगा लिया आपने आंसर। तो देखिए, इसके गुंबद पर सोने चांदी की नक्काशी हुई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कवर्धा पैलेस है इसके गुंबद पर क्या हुआ है, सोने चांदी की नक्काशी हुई है। और ये जो कवर्धा पैलेस है किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित है, तो फड़ी नागवंश के शासकों द्वारा क्या है, ये निर्मित है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस महल के वास्तुकार राजनांदगांव रियासत के राजा, यह कथन भी बिल्कुल सही है। राजनांदगांव रियासत के राजा महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा क्या किया गया था, इन ये जो कवर्धा पैलेस है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। महल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है, बिल्कुल सफेद संगमरमर, या इसी को इटालियन मार्बल भी कहा जाता है, उसके द्वारा क्या हुआ है, इस ये जो कवर्धा पैलेस है इसका निर्माण हुआ है। चौथा, इस पैलेस में कुछ समय तक जिला प्रशासन का मुख्यालय था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। कुछ समय तक जो कवर्धा जिला प्रशासन क्या कर रहा था, इसी महल से अपना कार्य संचालित कर रहा था। अभी वर्तमान के अंतर्गत कवर्धा पैलेस से नहीं किया जा रहा है, एक अलग से जिला प्रशासन का मुख्यालय बन चुका है कवर्धा जिले के अंतर्गत, और अच्छा भव्य मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, कवर्धा वाले लोग देख रहे होंगे रोज, ठीक है, देखिए बढ़िया, उस पर चर्चा कीजिए। हम अभी क्या करते हैं, इसके आंसर पर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है, असत्य कथनों पर हमको विचार करना है, एक और चार असत्य है कि दो चार असत्य है कि एक तीन और चार असत्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो सब कथन क्या है, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन क्या है आपके, सही है। ठीक, ये था हमारा क्या आज का आखिरी क्वेश्चन।
अब आगे का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो पूरा कलचुरी वंश पर क्या होगा बेस्ड होगा, उसी पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे कलचुरी वंश के विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत कलचुरी विषय के अंतर्गत हमारे जो क्वेश्चन की संख्या है ये भी ज्यादा रहेगी। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कम से कम लेके आऊं कलचुरी वंश के लिए, क्योंकि संपूर्ण मध्यकाल किस पर बेस्ड है तो कलचुरी वंश पर बेस्ड है। इसलिए कलचुरी वंश के संबंध में हमारा जो लेक्चर रहेगा जो वीडियो रहेगा ये लंबा भी रहेगा, तो आप कल के वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, है ना। 8 बजे तक आप क्या कर लें अपना खाना वाना खाकर कंप्लीट हो जाए, बैठ जाए बढ़िया पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कलचुरी वंश का वीडियो रहेगा वो क्या होगा एक लंबा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो कोई मिस नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसके बिना छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है अधूरा है। एक तरफ पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास और एक तरफ अकेले कलचुरी वंश का इतिहास, ठीक है। तो कलचुरी वंश को कोई भी मिस नहीं करेगा। इसी के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप बताइए कि हमारा कंटेंट सही है, आपके लिए ये उपयोगी है कि नहीं है, आप ये बताइए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक बेहतर से बेहतर क्या कर सके कंटेंट लाकर आपको दे सके, आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सके और आपके जो CGPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है उसके विभिन्न आयामों को क्या कर सके हम सुनिश्चित कर सके और उसको पढ़ाकर हम खत्म कर सके। इसी के साथ धन्यवाद, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए आप लाइक और कमेंट कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।